जय श्री राधे मित्रों, जय माता दी। मित्रों, चंद्रवर्णी भक्तिरस चैनल के माध्यम से मैं पंडित दीपक उपाध्याय देवभूमि उत्तराखंड से आपके अपने चैनल चंद्रवर्णी भक्तिरस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आदि शक्ति माँ भगवती से करवत प्रार्थना करता हूं कि माँ भगवती आपके समस्त मनोरथों को, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो चंद्रवर्णी भक्तिरस चैनल के माध्यम से आज का जो हमारा कार्यक्रम होगा वह होगा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। तो जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं सभी लोग जो है वीडियो में अंतिम तक अवश्य बने रहे, क्योंकि आज के वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए कौन सा जो रत्न है वह भाग्यशाली होने वाला है, कि जिस रत्न को धारण करके जो है आपकी किस्मत चमकने वाली है, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं, आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। तो कौन सा ऐसा जो भाग्यशाली रत्न है वह आपके लिए होने वाला है। तो जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं वह वीडियो में बने रहें, क्योंकि वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि इस रत्न को धारण करने से आपको क्या क्या लाभ होंगे, साथ ही साथ जो है बात करेंगे कि इस रत्न को धारण करने की क्या विधि है। तो सभी लोग वीडियो में अंतिम तक अवश्य बने रहें, वीडियो को इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाले जो वीडियो हैं वह समय समय अनुसार आप तक पहुंच सकें और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो ज्यादा देर ना करते हुए बात करते हैं आज के इस कार्यक्रम की कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कौन सा जो रत्न है वह भाग्यशाली रहने वाला है। तो हर राशि के लिए या हर ग्रह के लिए जो है रत्न शास्त्र में एक रत्न बताया गया है, और रत्नों का जो है मानव के मनुष्य जीवन में हमेशा जो है महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जो भाग्यशाली रत्न है, क्योंकि वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल, और मंगल का जो रत्न है यानी कि वृश्चिक राशि के जातकों को जो है मंगल से संबंधित रत्न ही धारण करना चाहिए। तो रत्न शास्त्र के अनुसार जो है मंगल ग्रह के लिए जो है मूंगा रत्न निर्धारण किया गया है। तो जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं सभी वृश्चिक राशि के जातकों को अपने राशि स्वामी मंगल से संबंधित रत्न यानी कि मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। यह जो है सर्व सुख देने वाले मंगल ग्रह का रत्न होता है। तो यह जो मूंगा रत्न होता है यह लाल रंग का होता है, और वास्तव में जो है समुद्र में जो है यह रत्न पाया जाता है। समुद्र में पानी से बाहर जो है यह रत्न निकलता है और यह बहुत ही सख्त रत्न होता है। मूंगा रत्न जो है वह मुख्यतः जो है इटली में ही पाया जाता है, और यहीं से जो है पूरी दुनिया में जो है मूंगा रत्न जो है निर्यात होता है। मूंगा रत्न जो है मुख्य जो है इटली में ही पाया जाता है। तो इटली में ही जो है जो मूंगा है, जो मूंगा रत्न है, शुद्ध मूंगा रत्न है, वह इटली में ही जो है इसका उत्पादन होता है, और समुद्र में यह रत्न जो है पाया जाता है। अब बात करते हैं कि मूंगा रत्न जो है वृश्चिक राशि के जातक धारण तो करें, परंतु वृश्चिक राशि के जातकों को मूंगा रत्न धारण करने से कौन कौन से लाभों की प्राप्ति होती है, कौन कौन से लाभ जो है वृश्चिक राशि के लोगों को मूंगा रत्न धारण करने से प्राप्त होते हैं। तो जितने भी वृश्चिक राशि के जातक अगर मूंगा रत्न धारण करते हैं, वृश्चिक राशि के जो जातक मूंगा रत्न धारण करते हैं, तो वृश्चिक राशि के जातकों के काम काज की कभी कभी कोई कमी नहीं रहती है। अगर आज आपका जो है काम काज नहीं चल रहा है, नौकरी इत्यादि आपकी नहीं लग रही है, तो मूंगा रत्न धारण करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और काम काज की कभी कोई कमी नहीं होती है। वृश्चिक राशि के जातक अगर मूंगा रत्न धारण करते हैं, तो अगर आपके ऊपर कर्जा है और कर्जा आपका जो है कई समय से जो है चुक नहीं रहा है, तो कर्जे से भी धीरे धीरे आपको मुक्ति मिलने लगती है, यानी कि आपका कर्जा जो है आपको धीरे धीरे उतरने शुरू हो जाता है। तो मूंगा रत्न धारण करने से जो है कर्जे से भी आपको मुक्ति मिलती है। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, अगर आप जो हैं भूत प्रेत आदि से परेशान हैं, या फिर आपको जो है नजर दोष की पीड़ा जो है बार बार सहनी पड़ती है, नजर दोष आपको जो है बार बार हो जाती है, तो यह रत्न जो है आपके लिए बहुत ही मददगार होता है। यह रत्न जो है आपके लिए बहुत ही कारगर रत्न है मूंगा रत्न। तो इससे इन जो समस्याएं हैं इन समस्याओं का निवारण जो है मूंगा रत्न धारण करने से होता है। वृश्चिक राशि के जातक अगर जो है आप आर्थिक कष्ट से जो है परेशान हैं, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं है, रुपए पैसे की कमी है, जीवन में जो है धन टिकता नहीं है, जीवन में जो है धन आपके पास रुकता नहीं है, तो आप जो है इस मूंगा रत्न को धारण करें, आपकी समस्त मनोकामनाएं जो है पूर्ण हो जाएंगी, आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत हो जाएगी, जो आपके जीवन में जो है धन की जो कमी है वह भी आपके दूर होगी। तो इसलिए मूंगा रत्न आपको धारण करना चाहिए।
वृश्चिक राशि के जातकों को यदि जो है राहु ग्रह से कोई कष्ट होता है, राहु ग्रह जो है आपको बार बार को परेशान करता है, राहु से संबंधित समस्याएं अगर आपके जीवन में आती हैं, तो इस रत्न को, मूंगा रत्न को अगर आप धारण करते हैं तो राहु के कष्ट को भी जो है कम किया जा सकता है, राहु का आशीर्वाद जो है प्राप्त किया जा सकता है। तो मूंगा रत्न धारण करने से जो है राहु के कष्ट को भी आप दूर कर सकते हैं, राहु ग्रह भी आपको परेशान नहीं करेगा, इसलिए वृश्चिक राशि के जातकों को जो है यह रत्न, मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों को अगर जमीन जायदाद संबंधित कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत आपको आ रही है, कोई समस्या हो रही है जमीन जायदाद से लेकर, तो आप जो है अगर मूंगा रत्न धारण करते हैं तो इस रत्न को धारण करने से जो है आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगे, जमीन जायदाद में जो भी आपकी समस्याएं आ रही थी उन समस्याओं का जो है निवारण धीरे धीरे होने लग जाएगा। तो जैसे ही आप मूंगा रत्न करेंगे तो धीरे धीरे जो है आपकी समस्याओं का निवारण होगा। तो आप ऐसा नहीं कि आज आपने मूंगा रत्न धारण कर दिया और कल आपकी समस्त समस्याओं का निवारण हो जाए, भाई मूंगा रत्न जब आप पहनेंगे तो धीरे धीरे जो है सारी समस्याएं जो है की दूर होते चली जाएंगे। तो इसलिए आपको जो है बिल्कुल शुद्ध मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को जो है मूंगा धारण करने की विधि क्या है। भाई जब अगर आप कोई रत्न धारण करते हैं तो उसे जो है शास्त्रोक्त विधि से ही धारण करना चाहिए, और शास्त्रोक्त विधि से अगर आप किसी रत्न को धारण करते हैं तो उसका जो है पूर्ण रूप से फल आपको प्राप्त होता है। अगर आप शास्त्र की विधि से अनुसार जो है शास्त्रोक्त विधि के अनुसार अगर आप मूंगा रत्न या कोई सा भी रत्न अगर धारण नहीं करते हैं तो उसका आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए विधि का जो ज्ञान है वह जरूर होना चाहिए और शास्त्र की विधि के अनुसार ही जो है कोई सा भी रत्न जो है धारण करना चाहिए। तो मूंगा रत्न जो है धारण करने की क्या विधि है, किस विधि के अनुसार जो है इस रत्न को धारण करना चाहिए। तो इस रत्न को जो है, जो मूंगा रत्न है, इसे आपको मंगलवार के दिन प्रातः काल स्नान करके और स्नान करके हनुमान जी का ध्यान करके और बजरंग बाण का पाठ करके, या फिर जो है आपको मंगल ग्रह का जो लौकिक मंत्र है उस मंत्र का जाप करके, या फिर ओम भौमाय नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, और इस मंत्र का जाप करके जो है आप इस जो मूंगा रत्न है इसे धारण कर सकते हैं। तो इस मूंगे रत्न को, मूंगा जो रत्न है, इसे पहले आपको जो है शुद्ध गंगा जल से जो है आपको शुद्ध करना है, गंगा जल से इसका, इस जो रत्न है इसे शुद्ध करना है, उसके बाद गंधक छत्र लगा करके और फिर मंगल का जो मंत्र है ओम भौमाय नमः या फिर ओम अंगारकाय नमः आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, या फिर ओम भौमाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, और इस मंत्र का जाप करते हुए आपको यह रत्न धारण करना है। अथवा इसे जो है मंगल ग्रह के नक्षत्र में, जो मंगल ग्रह का नक्षत्र है किस, उस नक्षत्र में आप जो है इस रत्न को धारण कर सकते हैं, शुभ समय पर ही इस रत्न को आपको धारण करना चाहिए। या जो मूंगा रत्न है, इस मूंगा रत्न की अंगूठी को धारण करते समय जो है मंगल ग्रह का आपको ध्यान जरूर करना है, मंगल ग्रह के मंत्र का उच्चारण आपको जरूर करना है, तब जाकर के आपको यह रत्न धारण करना है। तो अगर आप इस विधि से इस रत्न को धारण करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस रत्न से संबंधित जो भी फल है वह आपको प्राप्त होते हैं। तो इस विधि से आपको यह रत्न धारण करना चाहिए। तो आज का यह कार्यक्रम आपको हमारा कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। वीडियो अच्छा लगा तो इष्ट मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है वह समय समय अनुसार आप तक पहुंच सकें और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सकें। तो आज का कार्यक्रम यहीं पे करते हैं समाप्त, पुनः अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक मां भगवती आपके समस्त मनोरथों को पूर्ण करें। जय माता दी।